भाई ओप्पो इनको M31, नहीं 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 ओप्पो इनको M32 आ रहा है। मैं नहीं मानता। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ऐसा ही कुछ हाल था हम ओप्पो इनको M31 लवरों का, जो चाह रहे थे कि ओप्पो की तरफ से कब आएगा अगला नेक बैंड ओप्पो इनको M32। तो फाइनली ओप्पो इनको M32 आने वाला है अगले साल जनवरी की पहली वीक में, और इसका ऑलरेडी लिस्टिंग हो चुका है, अमेजोन पे इसका एड ऑलरेडी आ चुका है। तो बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट है। अगर आप कुछ नेक बैंड खरीदने की सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा अभी वेट कर लीजिए, क्योंकि ओप्पो की तरफ से जो आता है हमेशा कुछ धमाल मचाता है। तो ओप्पो इनको M31 आपको पता है कि 2020 मतलब लगभग डेढ़ साल पहले लॉन्च हुआ था और मार्केट में काफी एक अलग जगह बना ली। कुछ पॉजिटिव भी था वहां पे, कुछ नेगेटिव भी था, मगर जो पॉजिटिव रीजन था वो था उसकी साउंड क्वालिटी। बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी के साथ वो आता था। तो मेन वहां पे हाईलाइट था कि ओप्पो इनको M31 में आपको अंडर 2000 LDAC कोडेक की सपोर्ट मिलता है, मतलब हाई रेस ऑडियो सपोर्ट करता है, मतलब 990 kbps की ऑडियो सपोर्ट मिलता है। उसका जो ड्राइवर था 9.2 mm का ड्राइवर, वहां पे आपको टाइटेनियम प्लेटेड डायफ्राम था, उसके कारण उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 40 किलोहर्ज तक जा सकता है। मतलब नॉर्मल जो हम जो नेक बैंड आजकल आते हैं सारे जो है 20 किलोहर्ज तक है, पर उसमें आपको 40 किलोहर्ज तक जा सकता है। तो बहुत ही बढ़िया था, मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं मेन जो इवेंट है जो आपको मैं बताना चाहता हूं, तो कि ओप्पो इनको M32 आ रहा है तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या डिफरेंट होने वाला है M31 से, वो हम बात करेंगे। तो पिछले जो M31 था वहां पे क्या क्या था और क्या क्या यहां पे चेंज होके आएगा, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए। उससे पहले मैं कहूंगा प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बने रहिए मेरे साथ, ताकि आगे चल के जो ये सारे जो डिवाइस आएंगे वो मैं यहाँ पे आपको ट्रू रिव्यू यहाँ पे आपको देखने को मिले, मैं इसका इन डेप्थ रिव्यू यहाँ पे करूंगा। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए मुझे, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, बने रहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओप्पो इनको M31 आपको पता है कि जो खास करके उसका जो डिजाइन था वो डिफरेंट था, सिर्फ 22 ग्राम का था, काफी लाइट वेट था, इतना कंफर्टेबल नेकबैंड मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो मुझे ओप्पो का जो ऑडियो ट्यूनिंग है वो बहुत पसंद है और काफी बैलेंस रहते हैं, तो ओप्पो इनको M31 में भी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया किया गया था, मैंने उसको इस्तेमाल किया है। और मेरा जो रिव्यू है आप मेरे चैनल पे आप देख पाएंगे कि मैंने ओप्पो इनको M31 के ऊपर रिव्यू बनाया था पिछले साल। कहां पे प्रॉब्लम था मैं बताऊं, मेन प्रॉब्लम वहां पे था वॉल्यूम। तो वॉल्यूम लेवल काफी कम था, 90% वॉल्यूम में आपको सुनना पड़ेगा वहां पे। दूसरी बात उसकी बैटरी, तो बैटरी बहुत कम था, इसके कारण बहुत लोगों ने अवॉइड किया क्योंकि कॉम्प्रोमाइज वहां पे नहीं करना चाहते थे। इस बार जो ओप्पो इनको M32 आ रहा है उसका जो वेट है थोड़ा सा यहां पे बढ़ाया गया है, क्योंकि बैटरी यहां पे ज्यादा आपको मिलने वाला है। पिछले बार जो था वेट वहां पे 22 ग्राम्स का था, तो यहाँ पे आपको 33 ग्राम्स का मिलेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे 11 ग्राम का ज्यादा यहाँ पे बढ़ाया गया है। अब बात करते हैं कि क्या चेंजेस है। मेन बैटरी पे आते हैं, क्योंकि बैटरी काफी वीक था वहां पे पिछला जो एडिशन था, तो जो नया एडिशन है यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे आपको 28 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलने वाला है, बहुत ज्यादा। पहले था 12 आवर्स का, यहाँ पे 28। पहले आपको मिलता था सिर्फ 10 मिनट में 3 घंटे की बैटरी बैकअप, यहाँ पे 10 मिनट चार्ज करने पे 20 आवर्स की प्लेबैक टाइम मिलेगा, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे। पहले जो था M31 में आपको 1 घंटे लगते थे फुल चार्ज होने में, मगर यहाँ पे सिर्फ 35 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे IP रेटिंग में भी इम्प्रूवमेंट किया गया है। जो M31 था वहाँ पे आपको IPX5 मिलता था और यहाँ पे आपको IP55 मिलेगा, तो बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पे वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट जो क्लियर नहीं है उस पे बात करते हैं। ओप्पो ने अभी तक मेंशन नहीं किया M32 आने वाला है इसमें LDAC का सपोर्ट होगा या नहीं, उम्मीद करते हैं कि होगा, क्योंकि अगर नहीं होता है तो बहुत ही बड़ा एक सेटबैक होगा, डिसअपॉइंटेड होंगे हम सब, क्योंकि ये सक्सेसर है और सक्सेसर कभी पीछे नहीं चला जाता है। मेन फीचर था M31 का, जो मेन USP था, तो वो था LDAC की सपोर्ट। तो हो भी सकता है कि यहाँ पे हटाया जाए और शायद उसके बदले में आपको एप्टिक्स HD का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाए, तो देखने वाली बात होगा कि क्या होता है। अगर LDAC आता है तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे 10 mm का ड्राइवर कहा गया है, पता नहीं कि यहाँ पे आपको टाइटेनियम प्लेटेड डायफ्राम मिलेगा या नहीं, मिलना तो चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो मैं कहूंगा कि बैटरी के लिए हमें फिर से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जहां पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। तो जो ओप्पो इनको M32 आने वाला है वहां पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ जगह पे मैं नाखुश हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको शायद ब्लूटूथ 5.0 मिलेगा, फिर से दोबारा 5.0, ये नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट ब्लूटूथ चिप होना चाहिए यहाँ पे। आखिर में जब ये लॉन्च होगा शायद चेंजेस आए, मगर जो रिपोर्ट है यहाँ पे शायद ब्लूटूथ 5.0 मिलेगा। अगर होता है तो ये एक सेटबैक होगा। इसका जो डिजाइन है फिर से मैं कहूंगा यहाँ पे OnePlus की तरह है, इसकी जो बर्ड्स है ना
जिसका जो यूनिक डिजाइन था पिछली एडिशन में यहाँ पे चेंज किया गया है। ये पिछली बार की तरह कंफर्टेबल नहीं होने वाला है। इसका जो मैग्नेटिक जो पोर्शन है वो बाहर निकला हुआ रहेगा। पहले जो आप तकिए में अपना सर रख के जो सोते हैं ना कंफर्टेबली इसको कानों पे लगा के, तो वो इस बार शायद उतना कंफर्टेबल ना हो। यहाँ पे ईयर हुक भी दिया गया है, मुझे पता नहीं क्यों दिया गया है। आई मीन गले में तो रहेगा ही, ये गिरेगा तो वैसे भी नहीं है। उम्मीद करते हैं कि कंफर्टेबल होगा, मगर मेरे हिसाब से पहली बार की तरह तो उतना कंफर्टेबल नहीं होने वाला। तो वेट करते हैं, जनवरी की पहले वीक में शायद ये आपको मिल जाएगा। और इसका मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे इन डेप्थ रिव्यू करने की, इस चैनल पे ट्रू रिव्यू मिलेगा इस चैनल पे बहुत सारे प्रोडक्ट की, ऑडियो प्रोडक्ट की। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और आपको सही इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊं इस चैनल के जरिए, और आपका जो हर्ड अर्न मनी है उसको मैं सही जगह पे इन्वेस्ट करने में आपका मदद करूं। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, चलते हैं, फिर मिलते हैं।